हेलो एवरीवन, प्रेगनेंसी के दौरान मैंने कुछ न्यू लर्निंग सीखने के बारे में सोचा, तो मैंने आज से सोचा कि मैं नेल आर्ट करूँगी। देन आई हैव ऑर्डर्ड सम आइटम्स फ्रॉम अमेज़न, कुछ मीशो से मैंने कुछ ऑर्डर्स करे थे। तो आप ये देखोगे, एक नेल का बॉक्स है पूरा, इसके अंदर 100 पीसीज ऑफ नेल्स हैं, प्लस ये एक लिक्विड जेल नेल पेंट आया था, साथ में ये कुछ नेल्स एक्स्ट्रा थे, और ये कुछ जैसे कि एक्सेसरीज होती हैं साथ में, कोई स्टार है या कोई और एक्सेसरी है उसको पेस्ट करने के लिए नेल पे, आर्ट करने के लिए बेसिकली। तो ये कुछ साथ में उन्होंने मुझे दिए थे, औजार जिसे कहते हैं ना, तो ये था साथ में, और प्लस था ये कुछ डिज़ाइन से अगर नेल के ऊपर आप कुछ पेस्ट करना चाहते हो, फ्लावर्स वगैरह, ये कुछ साथ में थी। जैसे हम नेल्स के ऊपर आर्ट करने के लिए लाइंस वगैरह बनाना चाहें, ये कुछ ग्लिटर्स थे, ठीक है, तो ये 12 ग्लिटर्स थे अलग अलग शेड्स के। ये साथ में यूवी रेज वाला, जो जिसमें नेल्स हम इसको ऑन करके इसके अंदर हम लोग अपने नीचे इसके नेल्स रख सकते हैं, सो दैट उससे जो भी ग्लू वगैरह है वो पक्की हो जाए, और आपको पता है थोड़ा क्विकली वर्क करता है वो। तो इट वॉज़ वेरी गुड। विद ये USB चार्जर का एक केबल दिया हुआ था साथ में, वो तो नहीं था अडाप्टर, बट ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पे ये चार्जर इंसर्ट होता है और आप इसे चला सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं नेल आर्ट करना। मुझे आता नहीं है, बट आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सोचा कुछ न्यू लर्न करते हैं, सो दैट माइंड भी इन्वॉल्व रहेगा एक नई चीज़ में और अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ में साथ एक और चीज़ बता दूँ, मैंने ये ड्रीम मेकअप नाम से एक इंस्टाग्राम पे आईडी थी, वहाँ से मैंने ये कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, आई लाइक दैट, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें भी नेल्स की कुछ एक्सेसरीज़ हैं, आपको शायद अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट इट इज़ न्यूड शेड नेल्स का एक पैकेट था, प्लस ये कुछ ग्लिटरी नेल्स थे साथ में, और एक ये फ्रेंच टाइप नेल्स के डिज़ाइन वाला था, और एक ये भी साथ में ही था, दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ नेल आर्ट। तो चार बॉक्स ये थे, प्लस इसके बॉक्स में आया था ब्रशेस का कुछ एक पैक, इट वॉज 7 पीसेज और 8 पीसेज ब्रशेस का पैक आया था। कुछ मैंने 6 और पता नहीं 7, मुझे ध्यान नहीं है, दिस लिपस्टिक्स ऑर्डर की थी, तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ हुडा ब्यूटी की थी, कुछ और ब्रांड्स की थी, मैक की थी ऐसे करके, और मैट की लिपस्टिक्स भी थी। तो ये मैंने कुछ 6-7 पीसीज ऑर्डर किए थे साथ में, और शेड्स सबके ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, क्योंकि आई लव न्यूड शेड्स, तो मुझे वो बहुत पसंद हैं, तो मैंने वैसे ही कुछ शेड्स इकट्ठे ऑर्डर किए थे, तो मैं आपको एक साथ सारे दिखा देती हूँ। ऐसे करके थे, कुछ 6-7 ज़्यादा ही होंगी मेरे हिसाब से, तो ऐसे कुछ शेड्स मैंने ऑर्डर किए थे इसके लिपस्टिक्स के, प्लस ये एक कंसीलर था इसके अंदर, और हाइलाइटर भी था इसके अंदर शायद, ठीक है, हाँ ये हाइलाइटर है। तो मैंने कुछ चीज़ें ना रेंडम ऑर्डर की थी, वहाँ पे जैसे कैटेगरीज आ जाती हैं, तो जो जो मुझे पसंद आ रहा था मैंने सब कुछ एक तरीके से ऑर्डर कर दिया। एंड देन ये था इसके अंदर एक आईलाइनर था, आई होप सो, इट वॉज वेरी नाइस, आई डेंट यूज़ इट, बट वो देखने में बहुत सुंदर था कलर वाइज। तो ये भी एक लिपस्टिक है, ये शेड्स हैं सारे लगभग मिलते जुलते, तो मुझे ये शेड्स बहुत पसंद आए, मुझे अब देख के पता लग रहा है लिपस्टिक्स तो मेरे हिसाब से 8-9 ही आई हैं। तो ये सब पैकेजिंग में था इसके, तो अभी मैं नेल आर्ट शुरू करती हूँ। ये भी मैंने सिर्फ इसलिए ऑर्डर कर दिया बिकॉज ऑफ तब सेल चल रही थी, तो मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब वो पीरियड चल रहा था तो मैंने ऑर्डर कर दिया। आपको पता है कुछ ना कुछ नया करने का मन करता ही रहता है, और शॉपिंग तो इट्स ऑल टाइम फेवरेट ऑफ गर्ल्स और लेडीज़ है ना। तो अभी मैं नेल्स के कुछ देखती हूँ क्या कर सकते हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेल आर्ट। तो अभी ये जो ऑलरेडी वहाँ से पैकेजिंग में बन के आए हुए थे इसको पेस्ट करते हैं, ये कैसा है इसको टेस्ट करते हैं। मैं नेल आर्ट खुद से नहीं करूँगी, बट जो न्यूड शेड्स वाले हैं उसके ऊपर हम कुछ नेल आर्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं खुद से वो यूवी रेज वाला भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, वो सब तामझाम हम बाद में कभी किसी टाइम फ्री हो के प्रैक्टिसिंग करेंगे, बट अभी के लिए फ़िलहाल मैं सिर्फ यही कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें अभी देखती हूँ, ये जो नेल्स हैं इसको हम निकालेंगे, इसके अंदर इन्होंने कुछ इसी के साथ पेस्ट करने के लिए वो जो ग्लूज़ होती है वो ऑलरेडी बनी बनाई इसके अंदर भेजी थी, कि हम सिर्फ इसको नेल को निकालें, ग्लू अपने नेल पे जो हमारा नेल ओरिजिनल होता है उसके ऊपर पेस्ट करें, उसके बाद उसके ऊपर ये नेल को प्लेस कर दें जो नेल आर्ट के साथ आया है। तो मैं इसको नेल को निकालती हूँ,
एंड देन इसके साथ एक ग्लू भी दी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके अंदर साइज़ वाइज नेल दिए होते हैं, आप अपने फिंगर्स के हिसाब से हर एक नेल को प्लेस करके देख सकते हो कि आपके थंब पे कौन सा नेल जाएगा, या ऐसे करके। ऐसे कि पेपर दिया होता है, इसके ऊपर ग्लू स्टिक्स हैं, तो ये भी एक मतलब नेल्स के हिसाब से दी होती हैं, ये नहीं कि सारी सेम होती हैं, हर एक नेल के हिसाब से दी होती है। तो आप अपने अंदाज़े से जो आपके नेल का साइज़ है उस हिसाब से आप पेस्ट कर लें, जैसे मैंने किया है वहाँ से उतार के बस यहाँ पेस्ट करना है। इसके ऊपर एक पेपर होगा, उसे आप निकाल देना, तो जब आप निकाल दोगे तो ये ऐसे चिपक जाएगा। चिपक जाने के बाद हमने इसके ऊपर, थोड़ा सा मुश्किल होता है इस पेस्ट को वहाँ से रिप्लेस करके अपने नेल पे लगाना, थोड़ा सा मुश्किल है वो भी फॉर द फर्स्ट टाइम, बट जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होगी यू विल गेट टू नो हाउ टू पेस्ट इट, तो बड़ा इजीएस्ट हो जाएगा आपके लिए। मुझे थोड़ा सा मुश्किल हुआ था क्योंकि आई वाज डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार हर किसी चीज़ को करना बहुत ही मुश्किल होता है, बट जब जैसे जैसे प्रैक्टिस होती रहती है तब अपने आप सही हो जाता है सब कुछ। तो अभी भी मुझे लगता है निकला नहीं है वो जो एक उसके ऊपर पेपर होता है ना, तो मैं बड़ी कोशिश कर रही थी कि निकल जाए अच्छे से, और निकल भी गया था, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेती है ये चीज़ तो, बट होता है। बट मुझे जो लगता है जो हम नेल आर्ट कराते हैं और जो वो ग्लूज़ यूज़ करते हैं वो ज़्यादा बेटर होती हैं रादर देन दिस, तो क्योंकि उसमें तो सिर्फ आपके पास लिक्विड होता है, यू हैव टू कीप ऑन योर लाइक नेल, और उसके बाद आपको नेल को पेस्ट कर देना उस पर, है ना। तो चलो फाइनली वो उतर गया पेपर, और मैं अब नेल को इसके ऊपर प्रेस करके लगा रही हूँ। ये मैंने नेल पेस्ट कर दिया उसके ऊपर, नाउ सी अभी आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये देखो दिस इज़ लाइक, है ना, ऐसे कुछ दिख रहा है। बाकी मैं पूरा फुल होने पे ज़रूर दिखाऊंगी आपको, एक बार प्रॉपरली मैं लगा लेती हूँ धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने सारे नेल्स लगाए, एक नेल नीचे गिर गया शायद, कोई बात नहीं, ऐसे करके मैंने फिर सारे नेल्स लगाए धीरे धीरे। आप देख रहे हो कि वही सेम प्रोसीजर के साथ पेस्ट निकाला, पेस्ट के साथ पहले नेल्स को ना लगा के देख लेना कौन से साइज़ का नेल जाएगा आपके नेल के साथ, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ हो जाता है फिर बाद में, गिरते फिरते हैं ये नेल्स। तो ऐसे करके मैंने सारे नेल्स लगा लिए, ये देखो, ये मैं सेम प्रोसेस दोबारा थर्ड फिंगर के लिए कर रही हूँ। तो ऐसे ही नेल को पहले मैंने प्रेस करके प्लेस करके देखा कि मेरी फिंगर पे कौन सा नेल जाएगा साइज़ वाइज, एंड देन वहीं से पेस्ट से उसको रिप्लेस करा, वो मैंने अपने फिंगर पे यहाँ पे लगाया, वो पेपर के साथ पहले लगाना, उसके बाद जब नेल को आप सॉरी जब आप उस पेस्ट को नेल के ऊपर लगा लेंगे उसके बाद उस पेपर को रिमूव करना, पहले मत करना क्योंकि मुश्किल होगी फिर आपको पेस्ट करने में। तो अभी मैंने ये जैसे चिपकाया, अब मैं इसके ऊपर का जो पेपर है वो रिमूव करूँगी, ठीक है। बड़ा ही मतलब केयरफुली करना पड़ता है क्योंकि पेस्ट साथ में ही उतर आती है कई बार, तो मैंने ये अच्छे से इसको निकाल के पेस्ट करना है। अभी मैंने पेपर को निकालने की कोशिश कर, देखो इतनी सी मुश्किल ज़रूर आती है, अब ये हो गया, अब मैं इसके ऊपर नेल को वो कर दूँगी, प्लेस कर दूँगी। तो ये नेल मैंने प्लेस कर दिया, आप देख रहे हो, ऐसी सेम आपको करना है, बस है तो थोड़ा सिंपल प्रोसीजर बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो करते हैं उसके लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे करके मैंने सारे नेल्स अपने पूरी 5 फिंगर्स पे लगा लिए थे। ये मैंने कुछ नेल आर्ट एक्स्ट्रा नहीं किया, बट ठीक है जैसा भी था, टाइम पास बहुत बढ़िया था, राइट। और इसके ऊपर जो आप ये ग्लिटरी वो देख रहे हो लाइंस, ये मैंने वही जो गोल गोल मुझे मिली थी उसके अंदर ग्लिटरी लाइन की रोल से मिले थे, वो मैंने इसमें से कट करके लगा दिए, पेस्ट कर दिए, और एक छोटा सा नेल आर्ट हो गया। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, मुझे तो बड़ा मज़ा आया था, क्रिएटिव था, कुछ नया था और कुछ टाइम पास करना था, तो बहुत अच्छा टाइम पास हुआ। अगर आपको भी इन चीज़ों की मतलब वो चाहिए कि कहाँ कहाँ से मंगाया, तो मैं ज़रूर बता दूँगी। मुझे सारा सब कुछ मतलब इन बिटवीन जितने भी मैंने नेल्स मंगाए थे वो 300-400 के पड़े थे, तो अगर आपको चाहिए होंगे तो आप मुझे ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर